हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, आज छत पे आए हैं। जितना सब बीज था इसमें सब तोड़े हैं और पानी डलवाने के लिए लाए हैं। जो हमारे यहाँ वो दुकान करते हैं, एक बीज नैनी का, इधर आओ देखा, सब बीज इसका तोड़े हैं, सदाबहार के फूल का, और इसमें गुड़ाई किए हैं। और सुबह सुबह दोस्तों दिमाग एकदम डिस्टर्ब था, इसीलिए हम वीडियो भी नहीं डाले और किसी के वीडियो में भी नहीं गए। एक नेनुआ मेरा फरा था, नेनुआ का प्लांट भी मेरा देखिए एकदम सूख गया था। और मेरे घर के बगल में जो है ना बरनवाल टुक टुक के पापा, उन्हीं से ना हो जाता है हमेशा हमारे यहाँ, जैसे कि किच किच करते हैं वो, कभी ऐसा काम करते हैं ना कि गुस्सा लग जाता है, झगड़ा वगड़ा। आज सुबह ही मेरा जो दीवार था आगे का ना, वो दो ईंटा उसमें से ईंटे से मार मार के दो ईंट तोड़े हैं जानबूझ कर, कि बोले तो झगड़ा हो। मेरे हस्बैंड तो झगड़ा करते नहीं हैं और फिर हम ही को गुस्सा लगता है, तो फिर हम बोले कि अब हम पुलिस बुलाएंगे, तो मेरे हस्बैंड का जाओ बुला के अपना समझो। तो मेरा बेटा आया, वो भी बहुत गर्म दिमाग है, गलत होता है ना तो वो भी नहीं बर्दाश्त करता है। अब कोई जैसे कि जब उकसा रहा है आपको झगड़ा करने के लिए, और मेरा 5 साल दवा भी चला था दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम टेंशन ले लिए थे, मेरे पिताजी एक बार बीमार थे तो मेरे दिमाग में गांठ पड़ गया था, तो इसीलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन ये है तो टेंशन हमको हमेशा देता रहता है। तो मेरे हस्बैंड जैसे कि ये दुकान किया है इलेक्ट्रॉनिक का, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किए हैं, लेकिन हमसे हमेशा झगड़ा करता है ये। तो पुलिस जब आए तो हम लोग जब फ़ोन करें महिला को, तो फिर वो पुलिस जब भेजी, तो फिर पुलिस जब आए तो उससे पूछने लगे, हम बताने लगे कि मेरा ये दीवार तोड़ा है, हमेशा हमें उकसाता है, झगड़ा करने के लिए परेशान करता है। तो वो बोला कि ये दीवार अपने से टूट गया, झूठ बोला था, और एक बार तोड़ा था तो 1-1.5 महीने तक उसको प्लास्टिक वाला प्लास्टर चढ़ा था, उसको परेशान था। तो फिर हम तो जो सही बात था हम सब बोल दिए, तो फिर बहुत डांटे उसको कि क्यों, काहे तोड़ोगे तुम, किसी का दीवार क्यों तोड़ोगे। और मेरा जो बना है उसको बोलता है कि ये मेरे ज़मीन में है। अब एक बार हम वकील भी बुलाए थे, तो वकील बोले कि जिस चीज़ का निर्माण हो गया है हमारे सामने, जैसे घर के सामने हमारे ससुर बनवाए थे पैखाना, तो वो बोलता है मेरे ज़मीन में है। असल में वो ना बाद में आके यहाँ पे ज़मीन लेके घर बनवाया, घर लेकर, तो जब घर लिया है तो टेढ़ा घर है तो उसको टेढ़ा ही ना मिलेगा। तो वही पुलिस भी आया है, डांटा है इसको, लेकिन ये ना पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहा था, कह रहा था कि तोड़ेंगे तोड़ेंगे, तो पुलिस इतना तेज़ से कि तोड़ो तोड़ के दिखाओ, करे मार खाओगे ना तो बस सही हो जाओगे, नहीं कायदे से बोलो, बात करने की तमीज़ नहीं है तुमको। बहुत उसको डांट लगाए, पूरा बाजार के जितने लोग थे ना सब खड़े होकर सब देख रहे थे। अब सोच लीजिए कि जिसका जैसे गलती रहेगा, हाँ अगर गलती रहेगा, अगर हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो वो आदमी जो है ना कि आपको परेशान करेगा, इसलिए गलती हो तो वहाँ पे बोलना चाहिए। सही बात है कि नहीं? ये मिस्त्री है दोस्तों, इनका काम कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हाँ गलती जहाँ हो तो बोलना चाहिए। सच्चाई अगर हम नहीं, अगर हम जहाँ सच है वहाँ पर भी दब जाएंगे दोस्तों ना, तो अगला इंसान आपको कमज़ोर समझ के आपको हमेशा दबाता रहेगा। तो जितने बाजार के सब थे ना सब खड़े होकर देखने लगे, हम मैक्सी पहने थे, दुपट्टा ओढ़ के हम भी चले गए बाहर। देखिए आगे का दीवार तोड़ा है दुकान, देखिए मेरा ये जो आते हैं दुकान लगाए हैं अपना, ये देखिए पानी आज हमारे यहाँ बरसेगा, बादल एकदम छाया है, ये देखिए इसका बन रहा है यहाँ पे ना, इधर देखिए यही वाला दीवार यहाँ पे, जैसे कि ना मेरे हस्बैंड से पूछा, क्योंकि बाद में ना सब सड़क चौड़ा होगा तो सब टूटेगा, ये टीने के किनारे पूरा दीवार पलस्तर करवाया है मेरा। तो हम बोलते हैं अपना दीवार बनवा लो, तो कह रहा है कि पूरा जो हम पलस्तर करवाएं पूरा हम अपना तोड़वा के तब दीवार बनवाएंगे। तो बहुत सुबह टेंशन था, जब पुलिस आया है डांटा है उसको, तब जाके थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए, गलती जहाँ हो अपना जो अधिकार हो लेना चाहिए, कहीं गलत हो तो दबना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, हम गलत नहीं है तो हमें डरना नहीं चाहिए। चलिए।
और यही आज हमारा मदद करवाए हैं, प्लांट में पानी वानी डलवाए हैं। ये जो कपड़ा बेचते हैं उन्हीं के भाई हैं। सब प्लांट ले लो। हम छत पे आ नहीं रहे थे दोस्तों, कई दिन हो गया था। सब देखिए, नेनुए का प्लांट मेरा एकदम मुरझा गया है। वो बाल्टी ले लो और वो जन पत्ती टूटा हुआ सब ले लो।